रेडमी का 10X 5G इंडिया में जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। ये वीडियो पूरा देखिए, इस वीडियो में बताऊंगा कब तक वो इंडिया में आ सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब पहले मैं बात कर लूँ इसके स्पेसिफिकेशन की, मतलब आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो है एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो है 6.57 इंचज़ की है, जो आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ ही आती है। और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मोबाइल मतलब डिस्प्ले के मामले में अच्छा खासा है। हाँ, आगे ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। पंच होल होता तो और भी अच्छा होता। ड्रॉप नॉच आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। पीछे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। तो कैमरे के मामले में मतलब एवरेज है, इतना खास नहीं है, क्योंकि 64 भी दे देते हैं लेकिन एवरेज ही है भाई। यहाँ पर आपको जो है अच्छी बात यह है कि प्रोसेसर एकदम दमदार मिल रहा है, और वो है MediaTek का Dimensity 820 वाला प्रोसेसर। प्रोसेसर ज़बरदस्त है गेमिंग के लिए, 5G प्रोसेसर है तो भाई गेमिंग अच्छी खासी होगी। माली G57 के साथ जो है GPU के साथ ही हमें देखने को मिलता है, मतलब गेमिंग और प्लस 5G दोनों देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अब बात कर लो इसके टाइप की मेमोरी है, तो वो आपको UFS 2.1 देखने को मिलता है। LPDDR4X की रैम देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात कर लो तो यहाँ पे 4020 mAh की बैटरी है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि भाई एमोलेड डिस्प्ले के साथ इतनी बैटरी आपकी बहुत अच्छी खासी चल जाती है, हमने कई मोबाइल्स में देखा है। और 22.5 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। करीब 1.5 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, 1.5 से 2 घंटे के आसपास, और वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है यहाँ पे। वहीं मैं आपको बता दूँ, आगे और पीछे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। पीछे भी आपको ग्लास डिजाइन देखने को मिलती है। कैमरा का शेप देखोगे ना तो चौकोन का है, जैसा आपको जो है रेडमी नोट 9 सीरीज में देखने को मिला, पोको M2 में भी देखने को मिला। सेम टू सेम वही डिज़ाइन के साथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जर देखने को मिलता है, और MIUI 11 के साथ आता है। Android 10 पे ये बेस्ट है। मैं आपको बता दूँ, ये 3 कलर वेरिएंट में आता है, ब्लू, गोल्ड, पिंक, ऐसे 3 कलर वेरिएंट में भी देखने को मिल जाते हैं। अब इंडिया में प्राइस की बात कर लूँ तो 6 GB और 128 GB स्टोरेज के साथ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी प्राइस 21,000 रुपये और 8 GB 128 GB जो है प्राइस बताई जा रही है करीब 24,000 रुपये। ऐसे 2 वेरियंट के साथ ये आ सकता है इंडिया में। अब ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, 6 GB 64 GB आया तो वो 20,000 तक हो सकता है, और वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस की देखने को मिल सकता है इंडिया में। सिर्फ ऐसे 3 वेरिएंट में हमें देखने को मिल सकता है। लॉन्च डेट की बात कर लूँ तो बताया जा रहा है अगस्त के जो है एंडिंग, या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। अब चांसेस तो लग रहे हैं कि मतलब 29 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में हमें यह देखने को मिल जाएगा। अभी तो यही लेकर आ रही, आगे जैसे आएगी आपको बता दूंगा। तो आप ये लेने में इंटरेस्ट है कि नहीं हमें ज़रूर बताइएगा।